डाला जाता है और एक दुखिया का पुत सुलाने को पत्तों पर डाला जाता है। एक बेटा को खिलाने के लिए हजारों गोदियां हैं और एक को सुलाने के लिए जमीन पर पत्ते बिछाए जा रहे हैं। सुनीति के बेटा का नाम था ध्रुव, सुरची के बेटा का नाम था उत्तम। दोनों बेटा जब बड़े हुए, एक दिन की बात, जब ध्रुव उत्तम के साथ महलों में चला आया और तानपाद ने देखा कि किसी का बड़ा सुंदर बालक है, पास में बुलाया, बेटा आपका नाम क्या है? बोले ध्रुव। पिता का नाम क्या है? बोले पिता का तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैया का नाम सुनीति है। समझ गई है मेरा ही बेटा, कलेजे से लगा लिया। सुरची ने देखा कि मेरा बेटा जमीन पर खड़ा है, मेरी सौत का बेटा गले से लगा है। दौड़ करके आई, कलाई को पकड़ा और एकदम से फेंक दिया ध्रुव को। रे दुष्ट, गोद में ही बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेकर के आता। ध्रुव के बहुत चोट लगी, रोते रोते मैया के पास पहुंचे। सुनीति ने सीने से लगा लिया, बेटा किसने मारा है तुझे? ध्रुव कहने लगे, माँ एक बात बता दो, मेरे पिता का है? बोली, बेटा जब तुम बड़े हो जाओ तब वन में जाकर के तपस्या करना, तब तुम्हें परम पिता परमात्मा के दर्शन होंगे, अभी तुम बहुत छोटे हो। जवाब दिया है माँ, मैं अब तो बड़ा हो गया हूँ और जब तक मैं अपने पिता की गोदी में नहीं बैठूंगा, जब तक मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। मैया रो रही है, बेटा ना जा, तेरे बिना तेरी माँ बिलक बिलक करके मर जाएगी। जब तू मेरे जीवन में आ गया तो मेरे सारे दुख सुख में बदल गए। बेटा को छाती से लगा लिया, ललावे रागी गए, आरे ललावे रागी गए, ओ बारी रो रही है, बेटा लला तेरे कोमला कोमला, लला तेरे कोमला कोमला, लला तेरे कोमला कोमला, लला तेरे कोमला कोमला। चरा गैया, अरे लला कोई तो
अभिनय करके सुनी थी, रो रही है बेटा ना जाओ। जवाब दिया है माँ, उत्तम रोज रोज अपने पिता की गोदी में खेलता है और मैं जब तक परम पिता परमात्मा के दर्शन नहीं करूंगा तब तक लौट करके नहीं आऊंगा। दरों चलने लगे, मैया रोती रह गई, बिलखती रह गई। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पांव हैं, घुंघराले बाल हैं, चटकीली चाल है, बहुत छोटी उम्र है। चलते जा रहे हैं, जैसे ही भयानक जंगल आया, छोटी सी उम्र में बात कर रही है बाबा। कितना डर पाए रहे ओ स्वामी जी, मैंने देखी है दुनिया। जवाब दिया है
दर्शन कभी नहीं हो सकता। गुर बिन भवन दुपराय न कोई और चैन बिरन जसन कर सम होई। बिना गुरु के ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। तो दरो बड़ा चतुर खोपड़ी के थे और सोचने लगे कहा जाए गुरु बनाने। दंडवत प्रणाम किया, कहने लगे आज से तुम ही मेरे गुरु हो। गुरु मंत्र लिया और आगे बढ़े। इतना घोर जंगल आया, इतनी घोर तपस्या की, इंद्र का इंद्रा समझने लगा। इंद्र ने कहा अप्सराओं से रंभा और ऋषि में इनका जाओ, जाकर के उस बच्चे की तपस्या में विघ्न डाल दो। कोई माँ बन करके रोने लगी, लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खुल गई। दूसरी बोली में ना तो पे जो लाल लाल तपस्या नहीं करी। बोली ना तो सुने, ज्यादा बड़ा थोड़े ही है, ये तो तुच्छ बात है। आ रे जाय नाच कूदे के और रिझाई ले